हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं आपके लिए बूस्टर डोज फॉर सीएसआई नेट एग्जाम, जो आपकी जनवरी के अंदर 29 को होने जा रही है। ठीक है, इसके लिए क्या है, इस वक्त आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वन बाय वन यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। वो टॉपिक्स जो है वो आपकी इस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, मतलब इट मीन्स कि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और ये लास्ट रिवीजन वाले टॉपिक्स जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका जरूर से आपको रिवीजन करके जाना है। तो वो कौन कौन से टॉपिक होंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के, वो वन बाय वन मैं यहां आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहले इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपके फिफ्थ से सिक्स जो चैप्टर्स हैं, आपके कोऑर्डिनेशन हुआ, आपका ओएमसी रहा, चाहे आपका एब ब्लॉक है, चाहे बायो इनऑर्गेनिक है, स्पेक्ट्रा है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, और या फिर मैं कहूं आपका एब ब्लॉक वगैरह, तो पर्टिकुलर उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक को आपको हाईलाइटेड या मेजरली पढ़ना है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, आप इसको जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन बाय वन चलूंगा, मैं समझाते चलूंगा कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, समझना। सबसे पहले मैंने नंबर वन पे लिखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि कौन सी बुक आपको रेफर करनी है, बुक इन द सेंस कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो इसके लिए आप कौन सी बुक को टारगेट करें, या आपने नोट्स बना लिए तो वहां से आप रिविजन कैसे करें, समझना। तो पहला टॉपिक यहां लिखा है मैंने मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो सब आपको कहां से पढ़ने हैं वन बाय वन टॉपिक, ये एक बुक सबसे पहले मैं बताइए जेम्स हुई, जो जेम्स हुई की बुक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार है। उसके बाद में मैंने लिखा है हाउस क्राफ्ट कैथरीन, तो कैथरीन की जो बुक आती है हाउस क्राफ्ट की, वो आपको पढ़ना है इन टॉपिक्स के लिए। या इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बुक आती है आर गोपालन, बहुत ही शानदार किताब है। और एक बुक और मैं आपको प्रेफर करूंगा, वो आप जानते होंगे, वो है मिसलर एंड टार। ये जो मिसलर एंड टार बुक है क्वांटम केमिस्ट्री के लिए बहुत शानदार रहेगी। इन बुक्स में से आप इन टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग आप रीड कर सकते हैं, बट ये वो टॉपिक है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, चलिएगा। तो मैंने यहां पर लिखा मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है सबसे पहले वो आपको रीड आउट करना है, देन इसके अंदर ऑर्गल डायग्राम्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गल डायग्राम्स, कलर प्रॉपर्टीज जिसके अंदर आपसे एमएलसीटी, एलएमसीटी, डीडी ट्रांजिशन एंड लेपार्ड सिलेक्शन रूल्स जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर मैंने लिखा स्पाइनल्स, जिसमें अपन नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल्स को रीड आउट करते हैं, तो ये आपको क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछेगा आपको, आपको क्या करेगा ऑप्शंस ए बी सी डी में एक स्पाइनल एक नॉन स्पाइनल देकर रहेगा, वो पूछेगा कि रेस्पेक्टिवली बताइए कौन कौन सा है। तो आप जो ट्रिक है वो बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखें, कई बार जिंक Fe2SO4 वाला है वो आपका क्या होता है नॉर्मल स्पाइनल होता है, लेकिन आयरन की वजह से लोग कहां कर देते हैं उसको इनवर्स स्पाइनल के अंदर। तो बहुत ही कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो स्पाइनल्स का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यहां से क्वेश्चन तो बनने लगा है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्टेट जो है या फिर डीजनरेसी का क्वेश्चन है, ये जीआईएससी को टच करता है बट ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो माइक्रोस्टेट जो है वो पूछा जाता है आपसे, या आपसे पूछा जाएगा डीजनरेसी, तो एक नंबर ऑफ इसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने यहां लिखा है टर्म सिंबल्स, मैं बात कर रहा हूं ट्रांस एंड मेटल जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, उनके अंदर आपको टर्म सिंबल कैसे निकालना है। अब टर्म सिंबल एक तो होता है मोनोटॉमिक, बट यहां आपसे किसका पूछा जा सकता है, डायटॉमिक कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको आल्सो इंक्लूड किया है इसके अंदर कि आपको डायटॉमिक मॉलिक्यूल का भी आपको टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए। फिर मैंने लिखा है नंबर ऑफ आइसोमर्स, किस प्रकार से हम आइसोमर्स फाइंड आउट करते हैं वो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्सेस का आना चाहिए। इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, किस प्रकार से इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म, इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन किस प्रकार से प्रपोज की जाती है, और इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस को किस प्रकार से अपन डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन बनेगा।
फिर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको ऑन टिप्स होनी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब से एंटर करें आपको व्हाइट पेपर मिले, आप ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जाके पहले लिख ले, जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें, ताकि आपका एग्जाम के लिए 3 आवर्स जो मिलेगा वो उसका सेफ रहे। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर है या ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट का ऑर्डर, ये आपको ऑन टिप्स होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है आपका वाटर एक्सचेंज ऑर्डर। तो वाटर एक्सचेंज का जो ऑर्डर है टाइसन मेटल का 3D का, वो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से वो ऑर्डर फॉलो होता है। फिर इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी किस प्रकार से काउंटर होती है। आपसे क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी का कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो आपसे पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स देखे या मैं कहूं डायटो में देखे, ट्राइटो में देखे, तो किस प्रकार से आप निकालोगे वो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी किस प्रकार से निकालते हैं, क्या क्या फैक्टर इसमें यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद बात की जाती है इनर्ट और आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 2 से 3 चांस में इनर और आउटर स्पेयर से क्वेश्चन बना है। आपको कॉम्प्लेक्सेस देगा, पूछेगा ये इनर्ट में जाएगा या आपका किसके अंदर जाएगा, आउटर में। और आउटर वाइड ना देके वो क्या यूज करता है, मरकस हास। जो मरकस क्वेश्चन है वो किसको फॉलो करती है, आउटर मैकेनिज्म को। तो वो आपको आउटर वाइड हटा करके मरकस हास के फॉर्म में देगा कि इनर्ट और मरकस हास कौन फॉलो करता है इन कॉम्प्लेक्सेस के अकॉर्डिंग। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, उसके बाद अपने आंसर की तरफ जाना है। क्लियर। फिर मैंने लिखा है यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर्स। ये आपसे पूछ सकता है कि कंपाउंड किस प्रकार के स्ट्रक्चर शो कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसके बाद मैं बात करूं तो सीएफएसी कैलकुलेशन आपसे पूछता है, आपसे सीएफएसी कैलकुलेट करवा लेगा, किसी भी कॉम्प्लेक्सेस देगा उसकी आपको सीएफएसी कैलकुलेट करवा लेगा। तो इसमें डिपेंड करेगा कि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है कि नहीं, वो लो स्पिन जाएगा या हाई स्पिन जाएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चीज सीएफएसी कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेयरिंग के साथ जाएगा विदाउट पेयरिंग एनर्जी। फिर एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस, ये आजकल का बहुत शानदार सवाल है। सेक्शन सी के अंदर आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन इसका बनता हुआ दिखेगा। रीजन क्या है कि पिछले 2-3 टर्म्स में आप देखोगे तो आजकल वो इनऑर्गेनिक जो मैकेनिज्म वाला पोर्शन था जो मैं आप बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन के अंदर, ये यहां से पूछना शुरू कर चुका है। और इनर्ट आउटर के साथ में एक बार 2 या 3 बार मैंने देखा है कि एसिड बेस की उससे भी क्वेश्चन बना के पूछा है, उसने रिएक्शन दी है एसिड बेस की, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट डाले है उसने कि ये किसको फॉलो कर रही है, बेस हाइड्रोलाइसिस है या एसिड हाइड्रोलाइसिस है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर बहुत शानदार सवाल बनने लगा स्टेटमेंट बेस सेक्शन सी में। फिर एक इरविन विलियम्स जो सीरीज है वो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए या बात करते हैं तो ना, ये जो आपको कैटायन्स की जो दी जाती है इरविन विलियम्स सीरीज, ये आपको पता होनी चाहिए कि कॉपर के सबसे ज्यादा किस प्रकार से होते हैं। एक है नेफ्लोजोटिक सीरीज या रेका पैरामीटर, जो बीटा पैरामीटर यूज करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि रेका पैरामीटर और बीटा नेफ्लोजोटिक इफेक्ट, जो ये जो है नेफ्लोजोटिक इफेक्ट, इस पर सवाल बनेगा तो सबसे पहले फोकस करेगा वो आपके इसके ऑर्डर के ऊपर, मेटल और लिगेंड के बेसिस पर, कि मेटल में किसके ज्यादा आता है, आई का या एफ का, या कम किसका होता है, Mn+2 Mn+4। एक तो ये मेटल का और एनायन का लिगेंड का दोनों का पूछता है ऑर्डर, या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो बीटा कैलकुलेट करवाने का फॉर्मूला है उसको अकॉर्डिंग वो आपको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। क्लियर। फिर अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं OMC के अंदर कि ऑर्गेनोमेटलिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनोमेटलिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हाईलाइटेड है, जो आपको मेजरली पढ़ के या जाना ही जाना है, समझना। सबसे पहले मैं इसके लिए बुक्स रेफर करूंगा, तो मैंने कहा बीडी गुप्ता और अजय कुमार दो बुक मोर देन सफिशियंट है। बीडी गुप्ता और अजय कुमार सर की जो बुक्स है आप इन दोनों बुक्स को ओएमसी के लिए यूज कर सकते हैं। आप ये सभी टॉपिक इस बुक से टच करके जाएंगे तो मैं नहीं मानता कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। क्लियर, समझना। मेटल कार्बोनाइज, मेटल नाइट्रोजाइज, इनकी रिएक्शंस जो है ये आपसे पूछेंगे। उसके बाद में मेटल कार्बोनाइल की जो रिएक्शंस, समझ रहे हो आप किस प्रकार से रिएक्शंस देते हैं, वो सारे आपको सब्स्टिट्यूशन वगैरह रिएक्शन आनी चाहिए इसकी। उसके बाद है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, ये जितने भी प्रकार की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज निकलाता है अपने से कॉम्प्लेक्सेस की, अलग अलग डिफरेंस डिफरेंट प्रॉपर्टी चेंज करके वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में वेज रूल, वेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेज रूल जो आपसे आजकल पूछने लगा है। क्लियर। उसके बाद में ध्यान समझना बॉन्ड ऑर्डर मेटल मेटल का और मेटल लिगेंड का किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, ये बहुत ध्यान रखना। आजकल मेटल मेटल बोरी बॉन्ड ऑर्डर बहुत तरीके से निकलवा रहा है, बट उसके लिए आपको लिगेंड्स की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि लिगेंड यहां पर न्यूट्रल लिगेंड है या चार्ज लिगेंड है। बहुत ज्यादा यहां पर मिस्टेक्स हो रही है बच्चों से, तो इस पर ध्यान देना। लगता है इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेते हैं और फिर कहां पर गड़बड़ भी हो जाती है।
तो ये बहुत ही ध्यान से इस बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। एक एक लिगेंड का आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रल है या फिर ये चार्ज है, प्लस वन है, प्लस टू है, क्या है, ब्रिजिंग में है, टर्मिनल है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन फिल करके हुए बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद में है बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में आपसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी शेप और ज्योमेट्री जो पूछ जाती है कि आपका कॉम्प्लेक्स किस प्रकार की ज्योमेट्री देता है, बाइकेप्ट देता है, ये सब आप पढ़ते हैं, आपको पता है जब बोरेंस आप पढ़ते हैं वहां पर ये स्ट्रक्चर पूछता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की प्रिज्मेटिक देगा, कौन सी देगा, ये सभी स्ट्रक्चर आपको इसमें बेसिकली देखने को मिलती है। तो ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, ये पूछेगा ये कॉम्प्लेक्स कितना ये एंड फॉलो कर रहा है, उसके साथ में उसकी ज्योमेट्री या शेप देके पूछेगा। तो ये ऑप्शंस आपको बुरे कंफ्यूज करेंगे जब आप 14 एंड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, अंडरस्टूड। उसके बाद में आइसोलोबल स्पीसीज जो मैं बात कर रहा था, ये आइसोलोबल स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बोरेंस के आपके क्लोजो, निडो, आर्कनो, ठीक है, ये आपको यूज करना है हाइपो वगैरह के। उसके बाद में ज्विंटलाइन, ये ज्विंटलाइन पे सवाल पिछले दो बार से बनने लगा है, मैं पर्टिकुलर आपको सजेस्ट करूंगा एक बार जिंटल आयन का जो क्वेश्चन है इसके लिए आप मिसलर टार जरूर देख के जाए। मिसलर टार के अंदर आपको जिंटल आयन की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं वहां पर एक्सरसाइज सेक्शन में, तो वहां से आप उसको एक बार रीड कर ली, जो जो आपको आपको वहां पर एग्जाम्पल शो कराए। उसके बाद में ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है, और माइग्रेटरी इंसर्शन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ओएमसी के अंदर जो आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली ध्यान दीजिएगा माइग्रेटरी इंसर्शन तो आपसे सेक्शन सी में कई बार पूछ रहा है, वो तो आपको अटैक करवाएगा, पहले उसका ट्रांस एडिशन कराना है, उसके बाद में सीओ इंसर्शन करा के माइग्रेटरी इंसर्शन करा के ये इंसर्शन वाला क्वेश्चन आपको चाहे वो ऑप्शन में इंसर्शन देके पूछे या उसके रिएक्शन फॉर्मेट में पूछे, बट माइग्रेटरी इंसर्शन वो क्वेश्चन सेक्शन सी में करवा रहा है बार बार, ये बहुत ध्यान से करके जाना इस क्वेश्चन। उसके बाद में फ्रिस एंड सॉ कार्बिन, जो फिशर और थॉ कार्बिन है, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की होती है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है, ठीक है, ये ट्रिपलेट होती है, सिंगलेट होती है, जितनी प्रॉपर्टी आप समझते हैं SNT वगैरह के फॉर्म में वो आप ये आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद विल्कन्सन कैटेलिस्ट का पूरा पिक्टोरियल आपके दिमाग में होना चाहिए कि विल्कन्सन कैटेलिस्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है, कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, पैरामैग्नेटिक है या रिएक्टिव है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या शो करता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है, आपको पता होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन आपको रिएक्शन की फॉर्म में आएगा तो आपको स्टीरियो के अंदर वो एंटर कराएगा, जब स्टीरियो में एंटर करवाएगा तो आपको ध्यान देना है कि अटैक किधर से करता है, ठीक है। उसके बाद में मोनोसेंटो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है कि मोनोसेंटो के अंदर आपको पता होना चाहिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा यूज किया जाता है, क्योंकि मोनोसेंटो और कटिवा ये दो ऐसे प्रोसेस है जिनके आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता होना चाहिए किसके अंदर क्या होता है। देन ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, टर्मिनल अपन क्या बनाते हैं इसमें कार्बन है। फिर है फॉस्फोरस लिगेंड्स जो है वो बाइट एंगल निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2019 के टाइम जून वगैरह में ये बाइट एंगल के क्वेश्चंस उन्होंने शुरू किए थे, तो ये क्वेश्चंस यहां से आपका बन सकता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस एंगल, क्योंकि बाइट एंगल वगैरह ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनटीए पहले आईटी जेई नीट वगैरह कभी होते हैं ये टॉपिक्स, तो क्या है कि वहां के लोग हो सकता है कि डाल दे आपके एग्जाम में, तो पर्टिकुलरली एक बार जरूर देख के जाए फॉस्फोरस लिगेंड जितने भी आपको दिए गए हैं। उसके बाद में कपलिंग रिएक्शन, जितने भी आपकी 5-6 कपलिंग रिएक्शन है उन सभी कपलिंग रिएक्शन का बेस आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका बेस है, कि अपने को सुजुकी मियारा करानी है तो क्या इसकी कंडीशंस होती हैं और कौन कौन से इसके स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। सेम वही चीज आपको स्टीला कपलिंग के अंदर देखना है, सोनो गसैरा के अंदर देखना है, जितनी भी कपलिंग है कमाडा वगैरह सब में देखना है। फिर मैं बात कर रहा हूं आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट की, वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही छोटा होता है 15-20 पेज का, आपको कंप्लीट करके जाना है, बट पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो एक बुक सजेस्ट करूंगा हाउसक्राफ्ट क्रेथिन का, ये बुक में एक छोटी सी पोर्शन में आपको ब्लॉक बाइंड किया है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट तरीके से उसको डिजाइन किया कि आप इजीली अंडरस्टूड जाएगा, वहां से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ब्लॉक के अंदर कलर प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म सिंबल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जी वेक्टर निकालना होता है। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, किस प्रकार से आप निकालेंगे, किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि सेपरेशन की जो टेक्निक्स होती है, क्योंकि लेंस वगैरह में कौन सी यहां मेटल यूज करें, तो ये आपको पता होना चाहिए एफ ब्लॉक के अंदर। सिमिलरली उसके बाद में फोर्थ नंबर पर जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक है आज की डेट में इनऑर्गेनिक के अंदर, इसको हाईलाइटेड टॉपिक मानते हैं, वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इसके लिए एक ही बुक सजेस्ट करूंगा मैं, अजय कुमार सर की जो बुक है उसमें लास्ट चैप्टर है वो आप उसको देखें, तो वहां पर आपको हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोथ्रिन, हीमोसाइडिन, रुबिडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन, ठीक है, फेरेटिन, विटामिन बी12, साइटोक्रोम सी, एसओडी, प्लास्टोसाइनिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और एमाइलेज, और जिंक के जितने भी उसके अंदर कंपाउंड है वो सारे कंपाउंड, और यहाँ पर पोरफायरिन, क्लोरीन एंड कोरिन रिंग्स जो है, इनके सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां से आपका बायोऑर्गेनिक का सारा पोजिशन फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। सिमिलरली इसके बाद में बात करूंगा, तो फिफ्थ नंबर पर टॉपिक लिखा है मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए मैं जो सिल्वर एटकिंस की बुक है वहां से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे तो ईपीआर जो है उसमें फॉस्फोरस के और बोरोन्स के जो कंपाउंड्स हैं उनके ईपीआर स्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, सोल्व करना, ईपीआर निकालना चाहिए। उसके बाद में मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेक्ट्रा निकालने आपको, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं यहां पर, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको मोसबोर स्पेक्ट्रा निकाल लाना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मैं बात करते एक टॉपिक है जिसको आप चाहे ग्रुप थ्योरी को कहां भी रखो, आप इसको इनऑर्गेनिक में रखे चाहे फिजिकल में, ग्रुप थ्योरी टॉपिक है। इसके अंदर पर्टिकुलरली तो पॉइंट ग्रुप आपको सेक्शन बी के अंदर पूछा जाता है, पॉइंट ग्रुप जो इतना इजी होते हैं, ऐसे फोर का पूछ लिया मैक्सिमम बच्चे इसमें साफ हो जाते हैं, बट क्या होता है सी टू ई, अंडरस्टूड। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, जो जीआईएसटी आती है, आपको सेट निकालना, ज्योमेट्री निकालना आता है, तो आप इजी गोइंग गेम ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पूरा गेम या इमेजिनेशन का है। तो ग्रुप थ्योरी का आपको पता होना चाहिए, जीओटी के रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है, एबिलियन नॉन एबिलियन वगैरह ग्रुप पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आजकल यही पूछेगा आपको, पांच छह देगा पूछेगा एबिलियन कौन सा है, इसमें ऑप्शन डिजाइन कर देगा, क्वेश्चन किसी प्रकार से भी बन सकता है, तो हर तरीके के पोर्शन को टच करते हुए हमको निकलना है। तो ग्रुप थ्योरी को आप के वी आर रेडी के अंदर से पढ़ सकते हैं, और इसी के अंदर से पढ़ना है, सबसे बेस्ट बुक है ये आपकी, मैंने बात कर ली है कंप्लीट ऑफ कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये कंप्लीट एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है, फोटो खींच लीजिए जैसा भी है, आपको फॉलो यही करना है, ठीक है। इसका मैं पीपीटी बना करके भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको इजी रहे एक टॉपिक को, और वन बाय वन इनको आप हाईलाइटेड करके टिक मार्क करते हुए खत्म करते हुए चलना है, सभी टॉपिक को आपको कवर करना है। ये आपकी बात होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बूस्टर डोज। अब मैं आपसे बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे मैं रिएक्शन की बात करूं, चाहे मैं रिएजेंट की बात करूं, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं, पेरिसाइक्लिक की बात करूं, कौन कौन सी बुक्स के कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा, समझना है। यहां पर सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन की, वन बाई वन पूरा आप लोगों के सामने लिखा है, इतना भी कर लिया तो मैं मानता हूं ऑर्गेनिक की आप आराम से सेक्शन सी और बी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे सफिशियंट। यहां पर मैंने लिखा है स्पायरो रिएक्शन, उसके बाद में मेस्टनबो रिएक्शन, इसके अंदर क्या क्या रिएजेंट काम में आते हैं, जिनका क्या क्या फंक्शन है आपको वो पता होना चाहिए, मैकेनिज्म आपका ड्रो हो जाएगी। एल्डोल कंडेंसेशन से चाहे वो इंट्रामोलिकुलर हो या इंटरमोलिकुलर हो, एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करूंगा टू टू थ्री स्टेप के क्वेश्चन की, जितने मैंने क्वेश्चन आपको अब तक करवाए हैं उसमें आपको एल्डोल का बहुत शानदार स्टेट देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्डोल आपके रोबिनसन के जब साथ चलेगा तो बहुत शानदार क्वेश्चन डिजाइन कर देगा। फिर वुल्फ-किस्नर रिएक्शन क्या कहती है, बेंजोइन रिएक्शन क्या है, उसके बाद बार्टोन रिएक्शन, बम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन, बर्च रिडक्शन किस प्रकार से होता है, बर्च रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटिग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से है, क्योंकि यहीं पे ध्यान रखना टेबे रिएजेंट का फंक्शन भी काम करेगा। विटिग पर्टिकुलर कार्बोनिल के लिए बात करेंगे, टेबे सबके लिए काम करता है, चाहे वो आपका एस्टर हो चाहे वो आपका कोई भी ग्रुप हो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में। उसके बाद में माइकल एडिसन आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से माइकल का अटैक होगा ये इस प्रकार बता रहा हूं, क्योंकि 1,4 एडिसन को माइकल एडिसन बोलते हैं, कि होता है डायरेक्ट एडिसन, कौन देता है, सल्फोक्सोनियम देता है या सल्फोनियम देता है, यह आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट एडिसन सॉफ्ट साइड पर अटैक करेगा या हार्ड साइड पे, ये माइकल एडिसन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अटैक करेगा तो लेस इंटर साइज से करेगा, स्टीरियो किस तरीके से डिजाइन होगी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मेनिस रिएक्शन, बहुत शानदार रिएक्शन है, मेनिस रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसके अंदर काम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एमिन में देखने को मिलेगी, 3 डिग्री में नहीं होती। बनने वाला क्या होता है, इंटरमीडिएट इमिनियम आयन बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल पर बिहेव करेगा, आने वाला न्यूक्लियर फाइल कैसे अटैक करेगा, मेनिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्वर्ण ऑक्सीडेशन, बहुत शानदार क्वेश्चन स्वर्ण ऑक्सीडेशन को मिलने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आप बात करूंगा और आप कैरेक्टर की जो बुक पढ़ेंगे तो कैरेक्टर की बुक में देखेंगे आप कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन के अंदर जो डीएमएसओ और सीयू सेल का होल्ड प्राइस यूज करते हैं वो -60 डिग्री में बात करता है, वो -60 की बात करेगा तो वो आपको देगा रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड ना आता है, लेकिन जैसे ही वो बात करता है 0 डिग्री पर वो बात लिया है, 0 डिग्री पर लाना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया -60 से, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो रिएक्शन जाएगी आपकी सब्स्टिट्यूशन के लिए, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया वहां पर जहां ओएच ग्रुप बटेगा और वहां पर आपका सीएल ग्रुप आ जाएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तो ये सोयल ऑक्सीजन पर ध्यान देना है कि कितने टेम्परेचर कंडीशन वेरी कर रहा है। -60 से एरो लगा के जीरो ला रहा है, इट मीन्स आपको यहां पर सब्स्टिट्यूशन करवाना है, स्वयं सब्स्टिट्यूशन ना कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये समझना है। फिर फिस्ट बेनरी रिएक्शन सिंथेसिस के प्रकार से होती है, वो इंपॉर्टेंट है। डाइपाई मिथेन और ऑक्सो डाइपाई मिथेन बहुत आर इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है, बस समझ नहीं आता है कि पूछना क्या चाह रहा है रिएक्शन में, क्योंकि वो सबस्टिट अजीब तरीके से डिजाइन करके देगा आपको, खोल के ना देखे पीएच 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 लगा के दे देगा, आप ढूंढे रह जाओगे वहां पर यहाँ पर डाइपाई कैसे होगा। तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको दिखेगा। उसके बाद नॉन स्टाइप फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, बहुत आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, किसमें कितने सब्स्टिट बनते हैं, किसमें डबल बनते हैं, किसमें बहुत ज्यादा बनते हैं, आपको पता होना चाहिए नॉन स्टाइप की कंडीशन क्या है। उसके बाद में क्लेजन रिएजमेंट कूप रिएजमेंट, क्लेजन कूप रिएजमेंट एज आ कूप रिएक्शन, ये सारे रिएजमेंट आपको आना चाहिए, पेरिसाइक्लिक की बहुत ज्यादा स्टेप है, मिलेगा ही मिलेगा। 2+2 और 4+2 साइक्लोएडिशन, ये आपको पता होना चाहिए, डिल सेंडर रिएक्शन, ये जाएगा, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि होता क्या है ना, ये रिएक्शन थ्री स्टेप का सबस्टेट बनता है ये ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वहां पर 4+2 रहा, एल्डोल रहा, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंपली ध्यान देना बेंजाइन मैकेनिज्म किस प्रकार से ड्रॉ होती है, किटिन फॉर्मेशन कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए, किटिन के फॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको, लिंडलर कैटलिस्ट किस प्रकार से रोल प्ले करेगा, लिंडलर बहुत शानदार कैटलिस्ट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि ये आपको इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये सिस प्रोडक्ट या सिस एल्किन बनाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए लिंडलर कैटलिस्ट का जो रिएजेंट है वो क्या है पीडीबीएस को आपको पता होना। उसके बाद में कार्बन एमाइन रिएक्शन कैसे होती है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, ओएमडीएम क्या होता है आपका, आर्की मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। अभी क्या क्वेश्चन होते हैं मेरे को आपको फर्दर आगे बताऊंगा किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एच जी ओ ए सी का होल ट्वाइज रिएक्शन करेगा किस प्रकार से करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ बहुत शानदार सवाल है। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस चीज को ध्यान रखना, एडिशन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मिलेगी आपको। एक है एच बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस प्रकार से रिएक्शन देगा, और BH2 और हाइड्रोजन कहां जुड़ते हैं, BH2 वहां जहां भीड़ कम, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और जहां भीड़ कम वहां आपका BH2 और BH2 को हटा करके OH लगा दो, क्योंकि वाटर से आएगा OH, तो वो जो OH आएगा वो किस तरह की स्टीरियो रखेगा, ये आपके क्वेश्चन पूछे। सेलेनियम ऑक्साइड किस प्रकार से रिएजेंट में बिहेव करेगा, इपोक्साइड रिंग ओपनिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग किस प्रकार से होगी स्टीरियो के अंदर वो आपको पता करेगा। जिलमान रिएजेंट किस प्रकार से वर्क करता है, 1-2 देगा या 1-4 देगा, यूज ऑफ KH एंड THF के इस तरीके का यूज किस प्रकार से करेगा KH का, ये पूछा है आपको, ये KH लिखने का इट इज नॉट इजी टास्क, आपको KH वहां भी देखने के मिलेगा जब मैं बात करूंगा पीटरसन सिंथेसिस। पीटरसन सिंथेसिस में आपको एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगा, एसिड का मतलब A और A से पकड़ लो NT, मैंने ये सब क्लासेस ले रखी है आपकी रिएजेंट्स की, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, तब मैं पेपर्स पे पढ़ाता था तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से मैंने ट्रिकली इनको सोल्व करना सिखाया, ये आपको करके जानने हैं यदि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेस पे जा रहे हैं। वैसे तो आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया किसी आप दो के भरोसे जाएं, क्योंकि पेपर इस प्रकार से आने लगा है कि आपको तीनों पोर्शन आना जरूरी है। उसके बाद में है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, उसके बाद में लिक्विड अमोनिया के साथ में लिथियम LDA किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है, एंड H2PD कैसे वर्क करता है, NBS N-bromosuccinamide किस प्रकार से यूज किया जाता है रेडिकल मैकेनिज्म वगैरह में, AlCl3 कैसे यूज होगा, ठीक है, N-butyl-3-SN-tin-hydride AIBN के साथ में किस प्रकार मैकेनिज्म देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको मिलेगा एक सवाल मिलता है आपको। फिर हैमिट इक्वेशन किस प्रकार से और टैफ्ट इक्वेशन कैसे, ये हैमिट ध्यान रखना आजकल इंपॉर्टेंट है, हैमिट और हैमंड पोस्टुलेट, यहां से एक क्वेश्चन बनाया, तो आप इसको एक बार क्लियरेंस से रीड आउट करेंगे समझ आ जाएगा। इसके बाद राइमर टीमान रिएक्शन आपको बताना चाहिए, पिनाकोल पिनाकोनोन रिएजमेंट, उसके बाद में सार प्लेस इपोक्सीडेशन सिंथेसिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने आपको ये छोटी वीडियो बना के 30-25 मिनट की मैंने पसंद जा रखा है, एक बार आप देखेंगे तो वहां आपका सोल्व हो जाएगा सब, मैं आपको प्लेलिस्ट के नीचे डाल दूंगा आपको इसके। और उसके बाद में हाफमन रिएक्शन है, फिर है सिंपायरोलिटिक एलिमिनेशन, सिंपायरोलिटिक एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप जो है सिंपायरोलिटिक एलिमिनेशन ये आपको हीट देगा सिंप कंपोजिशन पर लाके, आपको ये स्टेप मिसलिनियस क्वेश्चन को अंदर देखने मिलेगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन कम आते हैं बट मिसलिनियस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा सिंपायरोलिटिक एलिमिनेशन। उसके बाद में डाई इनॉन फिनॉल रिएजमेंट जो है, ये पिछले 2 या 3 बार से पूछा गया सवाल है, 2-3 बार से सवाल पूछा है, कौन सा ग्रुप वहां से माइग्रेट करेगा 1-2 पोजिशन पर और फिनोल का फॉर्मेशन होगा, तो ये आपसे पूछता है डाइनॉन फिनोल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पियाने रिएजमेंट वेकर ऑक्सीडेशन E1, E2 एंड E1CB मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी, E2 किसके अंदर जाएगी, E1CB किस में जाएगी, E1, E2 का ध्यान रखना सवाल पूछता है वो।
उसके बाद यूज ऑफ रेनेनिकल किस प्रकार से यूज करता है, थायरम कैसे आता है, कार्बनिक का जनरेशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि यहां से ओजोनोलाइसिस कराने के बाद में वो ऑलडोर कंडेंसेशन आपसे करा सकता है। तो एल्डोर कंडेंसेशन किस प्रकार से लिंक करेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएगा। SN में SN2 SNI पूछेगा, आपको पता है पेरिडिक प्रेजेंट में SNI कन्वर्ट जाती है इसमें SOCl2 वगैरह। रॉबिन्सन एनुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन्स रिएजेंट कैसे वर्क करता है, वेली विनेगर ऑक्सीडेशन 2-3 एंड 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक MnO2 की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी, एरोमेटिसिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, NGP और ऑल द स्टीरियोकेमिस्ट्री, कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये आपको टॉपिक्स रीड आउट करने भी आप ऑर्गेनिक बेस पे जा रहे हैं, ये टॉपिक एक बार आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब मैं इसके अंदर बात कर लेता हूं बुक की, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, क्लेडन, कैंथर, नंच, जियोफिल नंच एंड सुनील कुमार की बुक्स। इंपॉर्टेंट क्या है, क्लेडन के अंदर चैप्टर 10-11, 10-12-13 की बात करूंगा, 10-12-13 ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताएगा। उसके अंदर 24-25-26 में आप इनोलेट्स केमिस्ट्री देखेंगे, इनोलेट्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनोलेट केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। और हिड्रो की बात करूं तो हिड्रो केमिस्ट्री के लिए आप 42-43-45 जो न्यू वाला एडिशन है क्लेडन का, उसके अंदर आपको मिलेंगे चैप्टर्स, तो वहां से रीड आउट करेंगे तो आपका इजी गोइंग कंप्लीट हो जाएगा। और जो कैथर है उसके अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 3-4 है वो, और एक रेडिकल का चैप्टर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पर्टिकुलर एक चैप्टर, 5 चैप्टर बहुत शानदार, आप वहां से करोगे तो आपके सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं बात करी आपके सामने कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब मैं सिमिलर सीरियसली आपसे बात कर लेता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की, ये टॉपिक्स सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री की है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक रेफर करनी है, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं बुक की, तो PSP पूरी समय पठानिया और एटकिंस, ये दो बुक इज मोर देन सफिशियंट। और किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, किसी बुक का टारगेट है, या फिर किसी का इंटरेस्ट ही आपको फिजिकल बेसिस पे जाना है, तो केएल कपूर के वॉल्यूम टच करना, ध्यान से समझना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मेजर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी और बी में मिलेंगे वो है थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद में सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर एंड क्वांटम, ये बेसिक एंड मेजर मॉडर्न टॉपिक्स है। आप समझना थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करी, कार्नोट साइकिल, इंजन और रेफ्रिजरेटर की, इसकी प्रॉपर्टी नेटा निकालना, एफिशियंसी, एक एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल। दो आपको गैस लेगा और ले लेगा हीलियम और ऑर्गन गैस को लेकर के बोलेगा इतने मोल की, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कैलकुलेट करता है, इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल पोटेंशियल निकलवाता है, पार्शियल मोलर क्वांटिटी जितनी भी है वो आपसे निकलवाएगा, चाहे जी हो, चाहे एच हो, चाहे टी हो, चाहे पी हो, चाहे जितनी भी प्रॉपर्टी सारी पूछेगा। गिब्स न्यूमैन इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशनशिप, ये इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल रिलेशनशिप। फिर उसके बाद बात कर रहा हूं मैं जितने भी प्रोसेस हैं उसके अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, किसका, आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबेटिक हो, इन सब के अंदर आपको W, Q, डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा E, Q जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको ग्राफ के साथ या सिंपल फॉर्मूले के बेसिस पे पूछ सकता है। फिर उसके बाद में जूल थॉमसन इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए किसको एप्लीकेबल है, कौन कौन से। उसके बाद में फ्यूगेसिटी, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन फ्यूगेसिटी। उसके बाद में गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, इट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज करता है, इसकी तीन फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये क्वेश्चन गेट के लिए तो बहुत शानदार रहता ही है हर बार, लेकिन CSR हो सकता है कि इस बार बना ले। तो गिव्स क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये सबसे पहले बात कर ली मैंने थर्मोडायनामिक्स के मेजर टॉपिक, ये तो आपको एनी हाउ लास्ट वक्त के वक्त में करके ही जाना है। फिर मैं बात कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स की, बुक्स सेम फॉलो करनी है, पूरी समय पठानी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है, 1.5 ऑर्डर, जितनी भी रिएक्शन है वो आपको पता चाहिए, ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका हाफ लाइफ कैसे पता करते हैं, इसका आपको रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे करते हैं, रेट कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, वन बाय वन आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा सेक्शन बी में। उसके बाद है माइकलस मेंटन इक्वेशन से, यहां से क्वेश्चन बनता है, एंजाइमेटिकली रिएक्शन है, बहुत शानदार है, सवाल बनेगा, आपको ग्राफिकली पूछ ले, आपको डाटा दे दे, KM पूछ लेगा, किस प्रकार से पूछेगा डिपेंड करता है। उसके बाद में टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, यहां सबसे पूछ सकता है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, आपको कैटलिस्ट की और इसकी आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में लिनेवर बर्ग प्लॉट, ये आपसे पूछेगा फॉर्मूला देगा कि किस किस के बीच में प्लॉट करना है आपको, तो कैटलिटिक एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टर्नओवर नंबर कैसे निकालते हैं, यह आपको यहां से पता होना चाहिए। उसके बाद में आपसे एक्टिवेशन एनर्जी या प्री एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर्स है वो कैलकुलेट करवा सकता है, टेम्परेचर इफेक्ट किस प्रकार से वेरी करता है केमिकल काइनेटिक्स के, उसके अंदर वो आपको पता होना चाहिए, RNS थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी,
ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं, वो लिंडेमान थ्योरी और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है आपका, या फिर इक्विलिब्रियम मेथड, ये जो दो मेथड यूज करते हैं हम निकालने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से अप्लाई होगा, कब कौन सा अप्लाई होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा, ध्यान समझना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल कॉन्स्टेंट, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये मोलर कंडक्टेंस, ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ आ रही है। इट मीन सारे फॉर्मूले आपके ऑन टिप्स होने से सवाल बन सकता है सेक्शन सी में। उसके बाद में मेन आयनिक एक्टिविटी और आयनिक स्ट्रेंथ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप अभी हाईलाइट कर रहा हूं, पेपर के बाद फिर डिस्कस करूंगा। आयनिक स्ट्रेंथ और मेन आयनिक एक्टिविटी का सवाल बनेगा आपका। नेक्स्ट इक्वेशन इसके पत्र ई सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल, ई सेल निकालते हैं, जिसको डेल्टा जी से भी कोलेक्ट करते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल से। तो ये आपसे सवाल पूछता है, दो सेल की डाटा देगा आपको, हाफ सेल की पूछेगा ई नॉट सेल कितना होगा। ये सवाल कई बार बना रहता है ताकि बच्चे को चेक करे कि हाँ पुराना याद, छोटा लेवल का याद है कि नहीं है, कहीं हाई लेवल पे चला गया हो। उसके बाद में बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपसे कैलकुलेट करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको यहाँ सेल देगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, के इक्विलिब्रियम। उसके बाद में कॉलराज का लॉ, जो आपको पता है कहाँ एप्लीकेबल होता है डायल्यूट सॉल्यूशन पे, वो किस प्रकार से, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में डिगार-हकल थ्योरी क्या कहती है, और टाइप्स ऑफ सेल जितने भी हैं आपके, वो सेल की प्रॉपर्टी के साथ आपको बताना चाहिए सेल किस प्रकार से वर्क करता है। इसी के अंदर आप ट्रांसपोर्ट नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेल के जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस आप करके जरूर जाएं। बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इजी टॉपिक है, अच्छा वेटेज देके जाता है। उसके बाद मैंने सॉलिड स्टेट की बात की, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम निकालना, टाइप्स ऑफ लैटिस किस प्रकार के का होते हैं। उसके बाद में ब्रेक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन आपको मेजरली दिखता है, एफसीसी, बीसीसी, डीसीसी, एचसीपी, सीसीपी और एससीसी में किस प्रकार से ए और आर की कैलकुलेशन करती है और डी की कैलकुलेशन करते हैं अपन, वो आपको पता होना चाहिए। इनकी पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार, पाई की फॉर्म में 8/3 पाई लिख दिया, कितनी किसकी क्या होती है, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए इजीली। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मेडर इंडेक्स जो होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में NaCl, सीजियम क्लोराइड और CaF2, जिसको अपन बोलते हैं एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड, जिंक फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, TiO2 और रुथेनियम ऑक्साइड, ये किस प्रकार से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इनकी किस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, कौन टेट्राहेड्रल में जाएगा, कितने सेल लेगा, कितना नहीं लेगा, या पता होना चाहिए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये डिजाइन होते हैं। उसके बाद बात कर रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इजी टॉपिक है, और एक क्वेश्चन आपको सेक्शन 4C के अंदर देखने को मिलेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या है समझना, फ्रेंडलिच इक्वेशन, लैंगमुइर इक्वेशन, बेट इक्वेशन और एडजॉर्प्शन जो ग्राफ्स हैं यहां से बनता है। मैंने 5 वीडियो में कंप्लीट आपको ये करवा रखा है, आप लास्ट वीडियो भी जरूर देख ले 5th नंबर का, वो भी मोर देन सफिशियंट। उसमें मैंने सारी प्रैक्टिस करवाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की विद ट्रिकली, ताकि आप इजी गोइंग अटेम्प्ट कर सके। तो वहां से आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, एक भी सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में आपका पॉलीमर और कोलाइड, जिसके अंदर मैं बात करूं, MN कैलकुलेट करवाएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट और Z कैलकुलेट करवाएगा, PDI पॉली डिस्पर्स इंडेक्स आपसे निकलवाएगा, मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास निकालने के आपको पता होना चाहिए, विस्कोमेट्री है आपका, सेडिमेंटेशन से इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में CMC है, क्रिटिकल माइक्रोन कंसंट्रेशन, डबल लेयर किस प्रकार से बनती है और जीटा पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको मैं पॉलीमर और कोलाइड्स के अंदर डिस्कस किया। अब इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो आपको पता है क्वांटम केमिस्ट्री, इसका कोई अंत नहीं है, बट हाँ इसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स है वो आपको बेसिकली पता होने चाहिए। एक तो ऑपरेटर्स आपको सारे पता होने चाहिए किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये साइन और कोस वाले जरूर इंपोर्टेंटली याद करना, और एक एक्सपोनेंशियल पावर AX वाले, क्योंकि ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको पता लगेगा। एक आइगन वैल्यू और आइगन इक्वेशन, कि कौन सा ये फंक्शन है, ये आइगन इस ऑपरेटर के साथ में कौन सा आइगन फंक्शन देगा कि नहीं देगा, आइगन इक्वेशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको 1D, 2D और 3D के अंदर आपको एनर्जी निकलना चाहिए, साई फंक्शन निकलना चाहिए, और 2D, 3D के अंदर जी जनरेसी किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करूं SHO, आपको पता होना चाहिए SHO के अंदर भी सेम इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से डी जनरेसी फाइंड आउट करते हैं। इजी ट्रिक लिए आपको समझना है, ये मैंने यहां तक आपको मैंने लेक्चर्स ले रखे हैं क्वांटम केमिस्ट्री के, वो लेक्चर्स आप देखेंगे तो मैं मानता हूं कि आपके क्वेश्चन यहां तक तो गलत होने के चांसेस नहीं है। उसके बाद में इसमें एक रिजिड रोटर का फॉर्मूला आता है, उसी बेसिस पे एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होता है रिजिड रोटर के ऊपर भी क्वांटम मैकेनिक्स का, और साइमल्टेनियसली इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, तो वो है आपका हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या है कि आपको जो बेसिक है कि आर निकालना जो होती है, आर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, a/2, 3a/2 होती है, वो लेंथ है आपके फॉर्मूले, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज वो है केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन, क्वांटम का जो सेकंड पोर्शन होता है वो होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। उसमें आपसे एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो पूछता है, अल्फा और की फॉर्म में, बीटा की फॉर्म में, ठीक है, वो किस प्रकार से निकालते हैं वो वहां से आप देख लेना,
आराम से कर सकते हो। आर के प्रसाद की बुक टच करें या मैं कहूं आप पीएसपी मोर देन सफिशियंट, वहां से आपका किस हो जाएगा। बट बेसिकली यदि क्वांटम में आप करके जाते हैं तो ये चीज आप जरूर करके जाए, ऑपरेटर्स और आइगन वैल्यू फंक्शन वगैरह जरूर देख के जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। बहुत सावधानी से करना, किसके क्वेश्चन फिजिकल के, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सीरियस मिस्टेक करवाता है आपको यूनिट कन्वर्जन के अंदर, पूरा गेम यूनिट कन्वर्जन का खेलेगा, आपको देगा नैनोमीटर में क्वेश्चन के अंदर, पूछेगा आंसर आपको पिकोमीटर में, तो वो जो यूनिट कन्वर्जन 10 की पावर में जो चलाता है बहुत कंफ्यूज करता है और वहां वेरिएशन ज्यादा नहीं देता है, वो एक एक डिजिट की देगा 10 की पावर 9, 10, 11, 12, एक भी आप 10 की वैल्यू चूकेंगे आपका आंसर गलत, 4 मार्क्स का मतलब 5 नंबर माइनस करके जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ये जो क्वेश्चंस है जो आपको मैंने बता दिए कहां कहां से टॉपिक कौन कौन से, ये आपको लास्ट मोमेंट पे देख के जाना है, क्लियर है, ये कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया, एक बार इसको भी देख ले आप। मैं कोशिश करूंगा इनको आपको पीपीटी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए, ये केवल इसलिए मैं आपके सामने आके बता रहा हूं, अदरवाइज मैं पीपीटी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकता था, ताकि एक बार आपका ओवरव्यू तैयार हो, आप फाइनली इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर है 29 के लिए, तो आपको किस प्रकार से अपना दिमाग और स्मार्ट स्टडी लगानी है, क्लियर है। बहुत कम समय बचा है, जितनी पावर उतनी लगा दीजिए, इस एग्जाम को निकाल के फ्री हो जाइए एक बार, ताकि आगे लाइफ में कुछ और नया करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।